तो दोस्तों आज हम जो वीडियो बना रहे हैं आपको, आज वीडियो जो दिखाने वाले हैं, आज जो हम बोलने वाला हूं वो आपकी जिंदगी का बेस्ट वीडियो होने वाला है। आपकी जिंदगी में जो आज होने वाला है वो आप अगले 15 दिन तक याद रखो। अगर अगले 15 दिन तक आप याद रखोगे तो आप नीट में अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे। 100 to 150 मार्क्स इंक्रीज होंगे आज के पूरे वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहला हमारा जो रोल है कि आप लोग डिप्रेस नहीं होंगे। जो आपको आता है, जितना आपको आता है उसको आप अब अच्छे से समेट लोगे। अब आपको आगे और नहीं जानना है, जितना आपको आता है आप सोच लो कि इसमें ही आपका नीट क्रैक होने वाला है। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहला काम जो आप अपनी रूटीन है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। देर रात तक पढ़ना एडवाइजेबल था, पर अब जब 15 दिन बचे हैं तो आप देर रात तक पढ़ना छोड़ दो, पहला काम। और सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो। आपका जो रूटीन है वो आज मैं सेट करने वाला हूं। अगर आपने उस रूटीन से पढ़ना शुरू किया तो 101% है कि आपको नीट में अच्छे मार्क्स आएंगे और आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाओगे। सबसे पहला काम ये करना है कि आपको सुबह 7 बजे उठना है। 7 से 8 तक जो भी आपके डेली रूटीन वर्क्स है वो आप करोगे, 8 बजे से आपका रूटीन शुरू होता है। तो अब जब मैंने बोल दिया पहले आपको कि आपको जितना आता है उतना आपके लिए सफिशिएंट है, इनफ है, अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको हर रोज पेपर सॉल्व करने हैं और कम से कम 4 पेपर्स। और नीट में जो आपको टाइम मिलता है 180 क्वेश्चंस के लिए वो मिलता है 3 आवर्स, बट मैं आपको 3 घंटे नहीं दे रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप वो ही पेपर 2 घंटे में करेंगे, क्योंकि आपको जितने क्वेश्चन आते होंगे अच्छे से वो आप 2 घंटे में कर सकते हो। तो मैं यही बोल रहा हूं कि आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं, आपको एक्स्ट्रा सोचना नहीं है। जो नहीं आता है उसको तुक्का नहीं लगाना है, मेरा बोलने का मतलब ये कि जो आते हैं उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट करो। और अपने स्कोर, जो आपका स्कोर आता है, आपको स्कोर भी खुद करने की जरूरत नहीं है। आपके घर पे आपके बड़े भाई होंगे, आपके मम्मी पापा, जो भी आपका नियर एंड डियर है उनसे चेक करवाओ। और पहला पेपर आपका शुरू होता है 8 बजे, 8 से 10 आप फर्स्ट पेपर सॉल्व करो। 8 से 10 पेपर सॉल्व करने के बाद आप रेस्ट लोगे आधे घंटे का, 10:30 से दूसरा पेपर शुरू करो और 10:30 से 12:30, अच्छा जो 10 से 10:30 के बीच में टाइम मिला है उसमें आप हल्का ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ब्रेकफास्ट करने के बाद 10:30 से 12:30 आप दूसरा पेपर करोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास 1.5 घंटा है, उसमें आप अपना लंच करो, ठीक है, आप रेस्ट करो 1.5 घंटे के रेस्ट। 12:30 हुआ, 12:30 से 2 आप रेस्ट करो, लंच करो, जो करना है 1.5 घंटे में करो। देन 2 बजे से 4 बजे तक नेक्स्ट पेपर और 4:30 से 6:30 नेक्स्ट पेपर, मीन्स आपके कितने पेपर हो गए टोटल 4। तो ये 4 पेपर आप सॉल्व करोगे और फिर 6:30 से 7:30 डिनर आप लाइट करो। अब जो डिनर है 6:30 से 7:30 के बीच में आपका हो जाना चाहिए, 1/2 घंटा आपके लिए डिनर के लिए और 1/2 घंटा आप जो भी वॉक करना है करो, ठीक है। और उसके बाद आप 7:30 से लेके 10:30 तक आपके पास टाइम है, 7:30 से 8:30, 9:30, 10:30, 3 घंटे हैं। उसमें जो भी उन पेपर्स के आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके डिफिकल्टीज आई हैं आपको, आपके जो गलत हुए आंसर, उनको एनालाइज करो और किसी से उनके सोल्यूशन देखो, जहां से भी आपने पेपर लिया उससे पूछो, या आप अपने दोस्तों से बात करो, अपने टीचर से बात करो और उस पूरे जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं उस 4 पेपर्स में उनको आप सॉर्ट आउट कर लो। तो
तो डेली आपको 15 दिन ये काम करना है। तो अब मैं पेपर की बात की थी, 4 पेपर पर डे और अपने पास है 15 दिन, और 15 दिन में एक दिन में 4 पेपर कर रहे हो तो 60 पेपर हो गए आपके, और एक पेपर में होते हैं 180 क्वेश्चन, तो 60 को 180 से मल्टीप्लाई करो तो 10,800 क्वेश्चंस हो गए आपके, और आपको क्वेश्चन आने वाले हैं 180। अब वो क्वेश्चन सिमिलर ट्रेंड के ही होते हैं, कीप इन माइंड। अब वो जो पेपर आप कर रहे हो सॉल्व, वो कोई भी इंस्टीट्यूट के हो सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के पेपर ले लो, ठीक है, किसी पब्लिकेशन पेपर ले लो, या उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आप पूरे करो ही, ठीक है, इसलिए 10 साल 12 साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लो, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि भैया नीट में ये चीजें आने वाली है, ठीक है, और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये आपको गारंटी देता हूं। और जब आपकी सिलेक्शन हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपके वीडियो देख के मैंने ये किया था और मेरी सिलेक्शन हुई। जैसे मैंने आपसे बात करी थी कि आप जो डाउट्स हैं लास्ट 3 आवर्स जो है, जो आपके 7:30 to 10:30, आप वो जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके डाउट्स हैं, अगर आपके दोस्त से, आपके किसी अपने साथी से या आपके टीचर से कांटेक्ट नहीं होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो वो क्वेश्चन, स्नैपशॉट डाल दो उसमें, मैं आपको जवाब दे दूंगा उसी दिन, ये मैं आपके से वादा करता हूं। और अगर आपकी सिलेक्शन होती है, और जो कि होगी अगर आप ये पूरा करते हो जो मैंने आपको बोला है करने के लिए, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। नेक्स्ट, अब मैं केमिस्ट्री टीचर हूं तो मैं अब केमिस्ट्री की बात करता हूं। केमिस्ट्री में आपने जितना भी किया है अभी वो इनफ है, मोर देन इनफ, बट फिर भी मैं आपको कुछ चैप्टर बताता हूं जिनमें से पिछले ट्रेंड्स हैं। मैंने किया है 12 साल का पिछला मैंने डेटा देखा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो इग्नोर नहीं करना है आपको, वो जो सब करते ही हैं तो आपने भी किया ही होगा। नेक्स्ट, केमिकल बॉन्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 11th में है, सबसे इजी चैप्टर है, और इसमें 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आए हुए पर ईयर, तो वो चैप्टर भी इग्नोर नहीं करना है आपको। तीसरा चैप्टर मैं बताऊंगा आपको इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसमें भी ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, वो जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, 4 से 5, तो वो भी आप अच्छे से कर लेना, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, केमिकल काइनेटिक्स से भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, हाइड्रोकार्बन से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स से भी 2 क्वेश्चन पर ऑन एन एवरेज पर ईयर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, डी एंड एफ ब्लॉकमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, इसको भी अच्छे से कर लेना। एमीन से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन। तो जितने ये मैंने चैप्टर 12 चैप्टर बताए आपको, इन चैप्टर में को जितनी भी हमने बातें की उसमें हमने देखा कि हम कैसे प्रिपेयर करें और 15 दिन में क्या क्या करें, तो वो हमने कर लिया, ठीक है। और एक बात मैं भूल गया आपको बोलना कि जब सुबह उठो तो एनर्जी के साथ उठो कि टुडे इज माई बेस्ट डे, और रोज आपका बेस्ट डे हो ताकि 15 दिन बाद जो आपके नेक्स्ट डे आने वाला है जिसमें आपको एग्जाम के लिए बैठना है वो आपका बेस्ट डे बने। अब बात करते हैं कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, अब पहले भी आप एग्जाम दे रहे हो, कितने एग्जाम दे दिए आपने 15 दिन में, हर दिन 4 पेपर, 60 पेपर्स आपने दे दिए, अब आप 61 पेपर देने जा रहे हो, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, वो पहला पेपर जो थे वो आप दे रहे थे किसी इंस्टीट्यूट में या आपके घर बैठ के ईज से, कि होगा तो ठीक है नहीं तो किसी से पूछ लेंगे, बट अब जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तब आप किसी को पूछ नहीं सकते, आपको जो आता है वो आप कर सकते हो, तो उसकी जो नर्वसनेस है वो अपने ऊपर नहीं आने देनी है, बिल्कुल कूल हो के आपको वो पेपर अटेम्प्ट करना है। अब अटेम्प्ट कैसे करना है वो हम स्टेज बाय स्टेज आपको बताते हैं। तो फर्स्ट राउंड में
आपको पहले तो पूरा पेपर पढ़ना है, और जो पढ़ते पढ़ते जो क्वेश्चन आपसे हो पाए उस रीडिंग टाइम में, वो आपको अटेम्प्ट करते जाना है और उसमें उसको फिल करते जाना है हर ओएमआर शीट को। अब पहली बार आपने जितने भी इजी क्वेश्चंस थे वो अटेम्प्ट कर लिए, ये आपका पहला फेज हो गया। अब सेकेंड टाइम आप आओगे, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं और सोचते हैं 180 तक पहुंच जाएंगे, बट बीच में आपको पता है कितने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे, और हम सोचते हैं उस पर भी ट्राई करते हैं, और जब उस पर ट्राई करते हैं अपना टाइम जितना हमें लगना चाहिए क्वेश्चन पे उतना नहीं होता है, ज्यादा लग जाता है और हम लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते, और जब घर आके देखते हैं हम बोलते ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता था जो कि बिल्कुल ईजी था। इसलिए फर्स्ट फेज में आपका ये है कि हम हर क्वेश्चन रीड करना है, और रीड करते करते जो आपको लग गया कि ये तो आंसर है ही, श्योर हो आप 100% उसको ओएमआर फिल करते जाओ। तो ये भी गलती नहीं करनी है कि आप टिक कर दो और बाद में कर लेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। सेकेंड फेज में क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये हो जाएंगे थोड़ा सा सोचने के बाद, वो कर दिए आपने, सेकेंड हो गया। थर्ड टाइम आपको रखने हैं वो क्वेश्चन जो आपको या तो बिल्कुल नहीं आ रहे या आपको लग रहा है कि वो सॉल्व हो जाएंगे अगर हम टाइम देंगे। तो अब जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे उनको तो आपको देखना ही नहीं है, उनको लास्ट में एक थॉट देना है जब टाइम बचे, अदरवाइज जो लगता है कि ये टाइम देने से हो जाएंगे उनको टाइम दो एक एक करके और करो, इतना ही करना है। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो प्लीज उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है वो ही सबसे बड़ा किलर है। अगर आपके नेगेटिव ज्यादा हुए तो ऑब्वियसली एक मार्क अगर कम होता है तो आप कितने पीछे चले जाते हो, वो आपको जब मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो जो नहीं आता है उसको बिल्कुल छोड़ दो, जो आपको लगता है टाइम टेकिंग है पर हो जाएगा उसको टाइम दो, इतना काम करो आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी मिलेगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।